हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमें प्लांट्स में अक्सर ही ये देखने को मिल जाता है। और हमारा ये टॉपिक है प्लांट्स की पत्तियों का पीला पड़ना या जो न्यू पत्तियाँ आती है उसका लाइट ग्रीन कलर दिखना। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, ये मेरा प्लांट एक्जोरा का है, इसे रुक्मणी प्लांट भी बोलते हैं। इस प्लांट में आप पत्तियां देख रहे होंगे, कुछ पत्तियां आपको येलो दिख रही होंगी और कुछ पत्तियां आपको लाइट ग्रीन भी दिख रही होगी। ऐसी पत्तियों का लाइट ग्रीन कलर दिखना या तो पीला दिखना आयरन की कमी के कारण होता है। इन पत्तियों में आयरन की कमी होती है या फिर मिनरल्स की कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण ये ऐसी दिखने लगती है। जब हम किसी प्लांट्स को अपने घर लाते हैं और उसकी लगातार केयर करते हैं और फिर भी उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है या लाइट ग्रीन पड़ने लगती है, तो वो प्लांट हमें इंडिकेट कर देता है कि उसमें किसी मिनरल्स की कमी है। और मिनरल्स की कमी के कारण हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और हमारे प्लांट में मिनरल या आयरन की कमी कैसे होती है, तो देखिए, हमारी प्लांट की जो पुरानी पत्तियाँ रहती है वो डार्क ग्रीन कलर की दिखती है, लेकिन जो हमारी न्यू पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है वो लाइट ग्रीन कलर की दिखेंगी या फिर येलो दिखने लगेगी, या तो कुछ पत्तियाँ कटी दिखेगी या फिर मुड़ी हुई भी दिख सकती है। और देखिए, एक्जोरा का जो ये फ्लावर आया है, इसका बंच भी ठीक नहीं बना है, पूरा भरा हुआ बंच नहीं दिख रहा है ये। तो आयरन की कमी के कारण हमें ऐसा प्लांट देखने को मिल जाता है, जिसमें ना फ्लावरिंग अच्छे से होती है और इसकी जो पत्तियाँ होती है ये भी येलो पड़ने लग रही है। अब बात करते हैं हम हमारे एक्जोरा प्लांट में जो आयरन की कमी होती है उसे कैसे पूरा करें। तो इसके लिए हम एक्जोरा प्लांट में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट को डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे एक्जोरा प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच जो है नॉर्मल बना रहेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वह अच्छे से हो पाएगी। दूसरा उपाय है कि हम एक्जोरा प्लांट की पत्तियों पर आयरन रिच फर्टिलाइज़र का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि इनकी पत्तियों पर जो स्टोमेटा होता है वो फर्टिलाइज़र को सोख लेगा और इनकी पत्तियाँ जो है वह वापस से डार्क ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगी। और तीसरा उपाय है कि आप कोई लोहे का बर्तन ले और उसमें 2 दिन तक पानी भरकर रख दे और उसके बाद उस पानी को अपने प्लांट पर डाल दे। ये भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है आयरन का, इससे भी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मैंने भी अपने इस प्लांट पर 2 दिन पहले ही लोहे के बर्तन पर रखा हुआ पानी डाला है। और चौथा उपाय है कि आप कुछ जंग लगे खिले ले और उस खिले को इस प्लांट पर डाल दे, जिससे कि आप इस प्लांट पर जब भी पानी डालेंगे तो खिले पर पानी पड़ेगा और आयरन वाला पानी प्लांट को मिल जाएगा। और पांचवा उपाय है कि हम अपने एक्जोरा प्लांट की मिट्टी पर आयरन सल्फेट डाल सकते हैं, या तो इसका घोल बनाकर इसकी पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। आयरन सल्फेट हमको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो हम ये 5 उपाय करके हम अपने एक्जोरा प्लांट से आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लांट्स ग्रो करते रहिए।